नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे पद्मावती का सबसे बड़ा रहस्य और खिलजी का सच। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अली भी कहा जाता है, वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। अलाउद्दीन का पिता शहाबुद्दीन खिलजी बलवन की सेना में एक सैनिक था। अलाउद्दीन का जन्म सन 1266-67 में हुआ था। बचपन में पिता के देहावसान के बाद उसके सैनिक चाचा जलालुद्दीन ने उसका भरण पोषण किया। अलाउद्दीन की शिक्षा समुचित नहीं हो पाई, किंतु उसने युद्ध कला और सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। 1292 में उसने बेलसा पर आक्रमण किया। वहां के मंदिर, भवन व बाजारों तथा धनवानों को निर्ममतापूर्वक लूट कर अपार संपत्ति लेकर लौटा तो सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे अर्ज-ए-मुमालिक की उपाधि प्रदान की और अवध प्रदेश भी दे दिया। 1296 में जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर असाधारण विजय प्राप्त कर 6 मन सोना, 100 मन मोती, 2 मन हीरे, लाल पन्ने, नीलम, 4 सहस्त्र रेशमी वस्त्र के थान, 1000 मन चांदी, अनेक घोड़े वलीशपुर प्रदेश राजा रामचंद्र राव से संधि में प्राप्त किए तो उसकी महत्वाकांक्षा स्वयं सुल्तान बनने की बलवती हो गई। उसने अवसर पाकर जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या के बाद उसकी विधवा ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम की पदवी देकर सुल्तान बना दिया। उसकी सरंजिका बनके स्वयं राज करने लगी। इससे सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र अरनलिखा ने मुल्तान सिंध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस आंतरिक अशांति ने अलाउद्दीन के हौसले को बुलंद कर दिया। अब वह राजधानी दिल्ली पर कब्जा करने बढ़ चला। इस यात्रा में उसने रास्ते में सोने चांदी की इतनी वर्षा कर दी कि उसके असंतुष्ट विरोधी भी उसके समर्थक बन गए। 20 अक्टूबर 1996 को वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। धन के लोभ में सैनिक अलाउद्दीन से जा मिले। अब रुकनुद्दीन और उसकी विधवा माँ को मुल्तान भागने पर विवश होना पड़ा। 3 अक्टूबर 1926 में बलबन के लाल किले में उसका राज्याभिषेक हुआ। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके चलते सुल्तान ने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। उन दिनों चित्तौड़ राजपूत राजा रावल रतन सिंह के शासन में था, जो एक बहादुर और साहसी योद्धा भी थे। एक प्रिय पति होने के साथ ही वो एक बेहतर शासक भी थे और उन्होंने मलखान सिंह को पराजित कर पद्मिनी से विवाह कर लिया था। स्वयंवर के बाद अपनी सुंदर रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़ लौट आए। उनके दरबार में काफी बुद्धिमान लोग थे, उनमें से एक संगीतकार राघव चेतन भी था। राघव चेतन एक जादूगर भी थे। राघव सिंह के कारनामे सभी के सामने आने के बाद राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाले जाने का भी आदेश दिया था। इस घटना के बाद वे राजा के सबसे कट्टर दुश्मनों में शामिल हो गए थे। इसके बाद राघव चेतन ने दिल्ली की तरफ जाने की ठानी और वहां जाकर वे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मनाने की कोशिश करते रहते। और जब राघव चेतन ने अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया तो अलाउद्दीन मन ही मन रानी पद्मावती को चाहने लगा। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए बेचैन हो उठा था और उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीने तक घेरे रखा, लेकिन चित्तौड़ के वीर सैनिकों के कारण वह चित्तौड़ पर विजय नहीं पा सका। तब उसने छल से काम लेने की बात सोची। उसने राजा रत्न सिंह के पास संदेश भेजा कि हमने चित्तौड़ के रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, आप एक बार हमें रानी को देखने दीजिए तो हम किले से हट जाएंगे। राजा रानी यह प्रस्ताव सुनकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन इतनी छोटी सी बात के कारण चित्तौड़ के सैनिकों का खून वह नहीं बहाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खिलजी आईने में रानी का चेहरा देख सकता है। आईने में रानी का चेहरा दिखाया गया, लेकिन रानी को देखने के बाद उसका मन छल समा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी के सामने शर्त रखी कि अगर रानी पद्मिनी खुद को उसे सौंप दे तो राजा रत्न सिंह को वह छोड़ देगा। रानी ने खिलजी को कहा कि वह अपनी 700 दसियों के साथ खिलजी के सामने आने से पहले अपने पति से एक बार मिलना चाहती है। खिलजी ने रानी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रानी ने 700 पालकियों में राजपूत सैनिकों को बिठाया
और पालकी उठाने का काम भी उन्होंने वीर सैनिकों से ही करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के शिविर के पास पहुंचकर वह सभी वीर सैनिक यवन सेना पर टूट पड़े। खिलजी को इस हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसकी सैनिक विचलित हो गए। रानी ने राजा रत्न सिंह को आजाद करवा लिया। इसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर करने का निश्चय किया। रानी के साथ 16,000 वीरांगनियों ने जौहर करने का निश्चय किया। एक विशाल चिता सजाई गई। रानी पद्मिनी और 16,000 वीरांगनियों ने अपने परिवार वालों से अंतिम बार मुलाकात की। फिर वो वीरांगनाएं जलती चिता में कूद पड़ी। पद्मावती ने अलाउद्दीन के हाथों में पड़ने के बजाय जौहर कर लिया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन के सामने अव्यवस्थित प्रशासन, खोखरों और राजपूतों का विद्रोह, सेना में वृद्धि, मंगोलों का आक्रमण, उस पर खूनी और अपहरणकर्ता होने का आरोप था। किंतु अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार कर हिंदू राज्यों का अंत करना चाहता था। उसने अमीरों के मेलजोल, सामाजिक दावतों पर प्रतिबंध लगाया। 144 धारा की तरह 5 आदमियों के एक जगह इकट्ठे होकर वार्तालाप करने को निषिद्ध कर दिया। करों में वृद्धि की और करों को निर्दयता पूर्वक वसूला। अलाउद्दीन ने विद्रोह और षड्यंत्र पर काबू पाने के लिए गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। अलाउद्दीन ने हिंदुओं के प्रति बहुत ही कठोर नीति का पालन किया। हिंदू ना तो घोड़ा, ना सोना, ना रेशमी वस्त्र उपयोग में ला सकते थे। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। हिंदुओं को कंगाली की दशा में मुसलमानों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाना पड़ता था। वह कहता था, हिंदुओं के मुंह में निरकष्ट पदार्थ डालने पर खुदा खुश हो जाता है। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रशासक एवं सेनान्यक था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बेरहमी से लोगों का कत्ल करवाया। वह निर्दयी, हत्यारा तथा कठोर शासक था। धार्मिक दृष्टि से वह असहिष्णु था। अलाउद्दीन एक कट्टर मुस्लिम शासक था। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। शुक्रिया।